नमस्कार दोस्तों, आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। 31 जनवरी 2024 को अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्यों आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर प्रतिबंध लगाया है, जानेंगे आज इस वीडियो में। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सार्थक मार्ग, चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई ने पेटीएम पर प्रतिबंध क्यों लगाया इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पेटीएम बैंक यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, इनमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों पेटीएम बैंक्स में आप 1 लाख तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो, तो वही शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आप अनलिमिटेड पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। पेटीएम बैंक्स आपको लोन नहीं दे सकता है, तो वही शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आपको लोन दे सकते हैं। पेमेंट बैंक्स, पेटीएम बैंक्स खोलने के लिए 100 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वही शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स खोलने के लिए 500 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है। दोस्तों पेटीएम बैंक नोटबंदी के बाद काफी चर्चाओं में था, क्योंकि इधर नोटबंदी हुई और इधर लोग सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने लगे, और उसके बाद पेटीएम काफी चर्चाओं में आ गया, क्योंकि हर जगह आपको पेटीएम देखने को मिला। सब्जी वाले की दुकान से लेके बड़े स्टोर पर आपको हर जगह पेटीएम दिखेगा, और इसके कई सारे एड भी चले थे पेटीएम को। पेटीएम का सिस्टम क्या है जरा उसको समझते हैं। अभी तक बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है पेमेंट के लिए, जैसे कि फोन पे, भारत पे, गूगल पे। इन प्लेटफॉर्म पर क्या होता है कि ये लोग पेमेंट रिसीव करते हैं और वो पैसा किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट होता है, यानी कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट होता है। लेकिन पेटीएम ने सोचा कि क्यों ना हम अपना खुद का बैंक बना लें, ताकि जो भी कस्टमर पैसा ट्रांसफर करे वो हमारे बैंक में डिपॉजिट हो जाए। तो ये 3 कैटेगरी हो गई, सबसे पहले जैसे फोन पे हो गया, उसके बाद पेटीएम बैंक हो गया, उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक आते हैं। तो पेटीएम ने अपना खुद का वैलेट बैंक बना लिया, जिसमें आप 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकते थे, और इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज, पेटीएम पर बहुत सारी सर्विसेज थी जिसका आप फायदा ले सकते। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई ने पेटीएम पर प्रतिबंध क्यों लगाया। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, पेटीएम अपनी कस्टमर्स की केवाईसी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, यानी कि जो केवाईसी होनी चाहिए, कस्टमर के निवास स्थान पर विजिट करनी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से वेरीफाई होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं खामी दिखी आरबीआई को। आरबीआई के 2022 के आदेश के बाद पेटीएम के सिस्टम की ऑडिट हुई, जिसकी रिपोर्ट आरबीआई के पास गई, और रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के नियमों की अवहेलना की गई। इससे पहले भी आरबीआई सन 2018, 2022 और 2023 को पेटीएम को नोटिस जारी कर चुका है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई, जो पेमेंट बैंक्स का क्राइटेरिया होता है कि आप 1 लाख तक कस्टमर से डिपॉजिट ले सकते हो, उसमें भी कई लापरवाही देखी गई, उसके बाद आरबीआई ने यह सख्त कदम उठाया। आरबीआई के इस एक्शन के बाद पेटीएम ने अपना जवाब दिया है। उसके बाद पेटीएम के फाउंडर ने कहा है कि हम अपना दूसरा एप्लीकेशन लेके आएंगे, जैसे कि गूगल पे और फोन पे है। 29 फरवरी के बाद आप लोग पेटीएम में डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, उसमें जो पैसा जमा है वो आप पैसा निकाल सकते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।